दोस्तों आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम को पढ़ेंगे, टिंटन एबे। इस पोएम को लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। दोस्तों टिंटन एबे को लिरिकल बैलेट्स में पब्लिश करवाया गया था 1798 में। लिरिकल बैलेट्स दोस्तों 23 पोएम्स का एक कलेक्शन था, जिसमें 19 पोएम्स विलियम वर्ड्सवर्थ की थी और 4 पोएम्स एस्ट्री कॉलरिज ने लिखी थी। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो 19 पोएम्स थी उनमें से एक थी टिंटन एबे। दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, लिरिकल बैलेट्स की जो फर्स्ट पोएम थी ना वो थी द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, लेकिन लिरिकल बैलेट्स की जो लास्ट पोएम थी वो थी टिंटन एबे। एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, याद रखना। तो चलिए पोएम शुरू करते हैं। दोस्तों ये पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ ने तब लिखी थी जब वह अपनी बहन के साथ टिंटन एबे गए थे 13 जुलाई 1798 में। दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटन एबे दूसरी बार गए थे अपनी बहन के साथ, इससे पहले वो एक बार और जा चुके थे लगभग 5 साल पहले। तो उन्हें ये जगह बहुत पसंद आई थी, तो जब विलियम वर्ड्सवर्थ दोबारा से यहाँ आए थे तो फिर उन्होंने टिंटन एबे नाम से एक पोएम लिखी थी। दोस्तों ये पोएम बहुत लंबी है, 160 लाइंस की, लेकिन इस एक वीडियो में मैं आपको पूरी पोएम बहुत आसान लैंग्वेज में बहुत अच्छे से समझा दूंगा और इस वीडियो के बाद आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ जाएगी। तो चलिए पोएम शुरू करते हैं। 5 years हैव पास्ड, 5 summers विद द लेंथ ऑफ 5 long winters। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटन एबे 5 साल पहले भी आए थे, तो विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि 5 साल गुजर गए, 5 summers गुजर गए और 5 लंबे winters गुजर गए। इन शॉर्ट 5 साल गुजर गए। And again I hear these waters rolling from their mountain springs with a soft inland murmur. और मैं फिर से सुनता हूँ उसी आवाज़ को, उस पानी की बहती हुई आवाज़ को जो पानी पहाड़ों में से होता हुआ आ रहा है। Once again do I behold these steep and lofty cliffs? और एक बार फिर से मैं इन लंबी चट्टानों को निहारता हूँ, देखता हूँ। बिहोल्ड यानी निहारना, किसी चीज़ को ध्यान से देखना, और क्लिफ्स कहते हैं चट्टानों को। डैट ऑन अ वाइल्ड सेक्लूडेड सीन इम्प्रेस थाट्स ऑफ मोर डीप सेक्लूशन। और ये जो माहौल है, जंगल है, पानी बह रहा है, चट्टाने हैं, पीसफुल एनवायरनमेंट है, ये सब चीज़ें और भी ज़्यादा गहराई से सोचने पर मजबूर करती हैं। दोस्तों आपको तो पता ही है कि वर्ड्सवर्थ नेचर से कितना ज़्यादा जुड़े हुए थे, कितना ज़्यादा करीब थे। तो टिंटन एबे एक ऐसी जगह है जहाँ वो नेचर से घिरे हुए हैं, हर जगह हरियाली थी, झरना था, पीसफुल एनवायरनमेंट था, तो ये माहौल वर्ड्सवर्थ को मजबूर कर रहा था और ज़्यादा गहराई से सोचने पर। And connect the landscape with the quiet of the sky. और ये जो ऊंची ऊंची चट्टानें हैं ना, ये चट्टानें ज़मीन को आसमान से जोड़ती हैं। मतलब बताना चाह रहे हैं कि चट्टानें बहुत ऊंची हैं। The day is come when I again repose here under this dark sycamore. और वो दिन आ ही गया जब मैं दोबारा से इस साइकमर पेड़ के नीचे आराम करूँगा। साइकमर एक पेड़ होता है, तो कह रहे हैं कि वो दिन आ ही गया, मैं दोबारा से नेचर के साथ जुड़ गया हूँ। एंड व्यू दीज प्लॉट्स ऑफ कॉटेज ग्राउंड, और यहाँ आराम करके मैं इन प्लॉट्स को देखूँगा जो कॉटेज के आसपास बने हुए हैं। दीज ऑर्चर्ड टर्फ्स विच एट दिस सीजन विद देयर अनराइप फ्रूट्स, और वह यहाँ से फलों के बगीचों को भी देख सकते हैं। वो बगीचा इस सीज़न में कच्चे फलों से भरा हुआ है। ऑर्चर्ड ट्रफ्स का मतलब यहाँ पर बगीचे से है। अनराइप फ्रूट्स यानी कच्चे फल, और दिस सीज़न यानी जुलाई का महीना, क्योंकि वर्ड्सवर्थ जुलाई में वहाँ पर गए थे। क्लैड इन वन ग्रीन ह्यू एंड लूज देमसेल्व्स मिड ग्रोव्स एंड कॉप्सेस। अब क्योंकि ये सभी फल कच्चे हैं और कच्चे फल हरे होते हैं, हरा कलर होता है कच्चे फलों का, तो कह रहे हैं कि ये सभी फल अभी हरे रंग के हैं, और क्योंकि ये हरे रंग के हैं इसलिए ये फल पेड़ पौधों के पीछे छुप गए हैं। पेड़ पौधे भी हरे रंग के होते हैं और कच्चे फल भी हरे रंग के होते हैं, इसलिए ये फ्रूट्स पेड़ पौधों के पीछे छुप गए हैं। Once again I see these hedge rows, little lines of supportive wood run wild. दोस्तों हैच रोज पेड़ पौधों की एक लाइन होती है जिससे ज़मीन को बांट दिया जाता है। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये जो पेड़ पौधों की लाइन है इसे कहते हैं हैच रो, और ये ज़मीन को डिवाइड करने का काम करती है। तो वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मैं एक बार फिर हैच रोज को देख सकता हूँ जो कि फैल गई हैं, बिखर गई हैं।
दीज पेस्टोरल फार्म्स, और ये देहाती फार्म्स, पेस्टोरल यानी देहाती, ग्रीन टू द वेरी डोर, जो हर जगह से हरे हैं, पूरे ग्रीन हैं, एंड व्रेथ्स ऑफ स्मोक सेंट अप इन साइलेंस फ्रॉम अमंग द ट्रीज, और इन पेड़ों में से छल्ले की तरह धुआं भी उठ रहा है। इन देहाती फार्म्स में जो पेड़ हैं उन पेड़ों में से छल्ले की तरह धुआं उड़ रहा है और माहौल बिल्कुल शांत है, पीसफुल है। अब ये धुआं पेड़ों में से कहाँ से आ रहा है ये आगे की लाइंस में बताया है। विद सम अनसर्टेन नोटिस एज माइट सीम ऑफ वैग्रेंट ड्वेलर्स इन द हाउसलेस वुड्स, और हो सकता है ये धुआं कुछ पेड़ के नीचे लोग बैठे हुए उड़ा रहे हों। ये वो लोग हो सकते हैं जिनका घर नहीं होता, जंगलों में इधर से उधर फिरते हैं और जहां खाना मिलता है वहीं खा लेते हैं और कहीं पर भी सो जाते हैं। इनका कोई परमानेंट घर नहीं होता, तो हो सकता है कि ये जो धुआं पेड़ों में से निकल रहा है ये धुआं वहाँ पर कुछ लोग बैठकर उड़ा रहे हों। और ऑफ सम हर्मिट्स केव वेयर बाय हिज फायर द हर्मिट सिट्स अलोन, या फिर किसी सन्यासी का, किसी तपस्वी का कोई गुफा होगी वहाँ पर आसपास, जहाँ पर वो सन्यासी अकेला बैठा होगा आग जलाकर, तो हो सकता है कि उस आग में से भी वो धुआं आ रहा हो। दीज ब्यूटीज फॉर्म्स थ्रू अ लॉन्ग एब्सेंस हैव नॉट बीन टू मी एज अ लैंडस्केप टू ब्लाइंड मैंस आई, और ये इतना खूबसूरत सीन है दिमाग में इस तरह से बस गया था जिस तरह से एक आदमी कोई सीन देखते देखते अंधा हो जाए। तो जिस तरह से उस अंधे आदमी के दिमाग में जो लास्ट सीन होगा वो बस जाएगा, उसी तरह से ये सारा सीन वर्ड्सवर्थ के दिमाग में बस गया था जब वो यहाँ पर पहली बार आए थे, और अभी तक मैं इस सीन को भुला नहीं पाया हूँ। बट ऑफ्ट इन लोनली रूम्स एंड मिड द डिन ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़ आई हैव ओव टू देम, और जब मैं अपने शहर के वीरान कमरों में था, शोर शराबों के बीच था, तब मैं इस सीन को याद करता था जो मैं यहाँ पे अपने दिमाग में बसाकर लेकर गया था। इन आर्स ऑफ वेरीनेस सेंसेशन स्वीट फेल्ट इन द ब्लड एंड फेल्ट अलॉन्ग द हर्ट, और जब जब मैं थका हुआ होता था तब तब मैं इस सीन को याद करता था। ये सीन मेरे हृदय में उतर गया था, मैंने इसे अपने खून में महसूस किया है। एंड पासिंग इवन टू माई प्योरर माइंड विथ ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन फीलिंग्स टू ऑफ अनरिमेम्बर्ड प्लेजर, और मेरे माइंड में ना ये सीन पास होकर बस गया था, वहाँ पर उसने घर बना लिया था, रिस्टोर हो गया था, और ये फीलिंग्स भी मुझे उसी प्लेजर ने दी हैं। सच परहैप्स as have no slight or trivial influence on that best portion of a good man's life, और इस सीन ने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया है, इस सीन ने मुझे ज़िंदगी में बहुत बदलाव लाया है, मेरी ज़िंदगी में बहुत चेंजेस लेकर आया है, मैं एक बेहतर इंसान बना हूँ इस सीन से। His little nameless unremembered acts of kindness and of love, मेरे छोटे छोटे कामों में भी kindness और love आ गया है इस scene की वजह से। Nor less I trust to them I may have owed another gift, और सिर्फ kindness और love ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इस scene ने मुझे एक और gift दिया है, मुझे एक और gift मिला है इस scene से। Of aspect more sublime that blessed moon in which the burden of the mystery, in which the heavy and the weary weight of all this unintelligible world is lightened, that serene and blessed moon, और इस अस्पष्ट मिस्टीरियस दुनिया में जो थकान होती है, जो दिमाग में भारीपन रहता है, जो बोझ रहता है, उस बोझ को भी ये सीन कम करता है। इस सीन को याद करने से जो दुनिया का बोझ रहता है वो भी कम हो जाता है। In which the affections gently led us on until the breath of this corporeal frame and even the motion of our human blood almost suspended, और कुछ वक्त के लिए दुनिया थम सी जाती है, फिजिकल वर्ल्ड से हमारा नाता टूट जाता है और हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं और ये बोझ हमारे ऊपर से हट जाता है। We are laid asleep in body and become a living soul. हमारी फिजिकल बॉडी सो जाती है और हमारी आत्मा जाग जाती है, हमारा सोल लिविंग हो जाता है। While with an eye made quiet by the power of harmony and the deep power of joy, we see into the life of things. और जब हमारी आंखें शांत हो जाती हैं, ठहर जाती हैं, फिर हम जिंदगी में चीज़ों को देखते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप बहुत बिजी हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, वीडियोस चला रहे हो, आपके माइंड में ऑफिस के थॉट्स चल रहे हैं, तो फिर आपका माइंड, आपकी आंखें शांत नहीं होंगी और फिर आप डीप थिंकिंग नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपका माइंड एकदम शांत है, आपकी आंखें शांत हैं, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप डीप थिंकिंग कर सकते हो। तो वही बात कर रहे हैं कि ये सीन मुझे दुनिया के झमेलों से अलग कर देता है और मैं डीप थिंकिंग कर पाता हूँ। इफ़ दिस बी बट अ वेन बिलीफ, येट ओ हाउ ऑफ्ट इन डार्कनेस एंड अमेड द मैनी शेप्स ऑफ जॉयलेस डे लाइट वैन द फ्रेटफुल स्टेयर अनप्रॉफिटेबल एंड द फीवर ऑफ द वर्ल्ड हैव हंग अपन द बीडिंग्स ऑफ माई हर्ट। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जब मैं शहर में रहता था, तो जब मैं इस सीन को याद करता था, तो भले ही मैं ये सीन इमेजिन करता था, भले ही वो सिर्फ एक इमेजिनेशन थी, सिर्फ एक एल्यूजन था, वो सीन रियल नहीं था मेरी आंखों के सामने सिर्फ एक कल्पना थी, तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भले ही वो एक कल्पना ही थी, लेकिन वो मैटर नहीं करता। हाउ ऑफ्ट इन स्पिरिट हैव आई टर्न टू थी ओ सैलवन वाई दाउ वेंडरर थ्रू द वुड्स हाउ ऑफन हैज़ माई स्पिरिट टर्न टू थी। अब दोस्तों यहाँ पर पोएट कहता है कि ना जाने कितनी बार मैंने अपनी आत्मा को, अपनी स्पिरिट को तुम्हारी ओर किया है, तुम्हारी तरफ कर दिया है, जो मेरी आत्मा है उसको जंगलों में छोड़ दिया है घूमने के लिए। ना जाने कितनी बार मैंने अपनी आत्मा को तुम्हारी तरफ टर्न कर दिया है। एंड नाउ विद ग्लिम्स ऑफ हाफ एक्सटिंग्विश्ड थॉट विद मैनी रिकग्निशंस डिम एंड फेंट। और जब पहले यहाँ मैं आया था, तब मैंने जो सीन अपने दिमाग में बसाया था, वो सीन धीरे धीरे धुंधला हो गया था, फेंट हो गया था, डिम हो गया था, डल हो गया था। लेकिन अब जब मैं यहाँ दोबारा से आया हूँ, मैंने दोबारा से सीन को देखा है, तो मेरी जो पुरानी याद थी वो ताज़ा हो गई है। ये सीन चमक उठा है, जो डिमनेस थी वो ख़त्म हो गई है। एंड सम वॉट ऑफ अ सैड परप्लेक्सिटी द पिक्चर ऑफ द माइंड रिवाइव्स अगेन व्हाइल हियर आई स्टैंड Not only with a sense of present pleasure, but with pleasing thoughts that in this moment there is life and food for future years. And so I dare to hope, though changed, no doubt, from what I was when first I came among these hills. लेकिन मैं थोड़ा सा हैरान भी हूँ, थोड़ा परेशान भी हूँ, क्योंकि भले ही मैं जब यहाँ दोबारा से आया हूँ, तो मेरी यादें तो ताज़ा हो गई हैं इस मंज़र को देखकर, लेकिन फिर भी इस मंज़र को मैं वैसे इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ जैसे मैंने 5 साल पहले किया था। दोस्तों जब पोएट यहाँ पर पहले आया था, तो उसकी जवानी शुरू हुई थी, वो 23 साल का था। लेकिन अब जब वो दोबारा से यहाँ पर आया है, तो वो 28 साल का हो गया है और अब उसकी जवानी ढल रही है। तो अब वह इस मंज़र को वैसे नहीं इंजॉय कर पा रहा है जैसे उसने फर्स्ट टाइम यहाँ पर आकर किया था। ये सीन उसको इतना प्लेजर नहीं दे पा रहा है जितना उसे 5 साल पहले दे रहा था। लेकिन यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि भले ही ये सीन मुझे कम प्लेजर दे रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सीन अच्छा नहीं है। ये सीन बहुत अच्छा है और इस सीन में मेरी ज़िंदगी और फूड है फ्यूचर के लिए। ये जो सीन पोएट देख रहा है, ये फ्यूचर में जब वो शहर जाएगा, तो वहाँ ये सीन उसके लिए फूड की तरह काम करेगा। वो इस सीन को याद करेगा और उसका बर्डन कम हो जाएगा। जैसे आप एक एप्पल खाते हो तो आपको एनर्जी मिलती है, इसी तरह पोएट इस सीन को याद करेगा और उसका बर्डन हल्का हो जाएगा। तो इट विल बिकम अ फूड फॉर हिम इन द फ्यूचर। व्हेन लाइक अ रो आई बाउंडेड ओवर द माउंटेन्स बाय द साइड्स ऑफ द डीप रिवर्स एंड द लोनली स्ट्रीम्स। मैं जब पहले यहाँ आया था, तो मैं छोटे हिरण की तरह इधर से उधर, यहाँ से वहाँ कूदता फिरता था इन लहरों और नदियों के आसपास। वेयर एवर नेचर लेड, और जहाँ तक ये नेचर फैला हुआ है, वहाँ तक घूमता था, वहाँ तक उछल कूद करता था। मोर लाइक अ मैन फ्लाइंग फ्रॉम समथिंग डेट ही ड्रेड्स देन वन हु सॉट द थिंग ही लव्ड। और मैं इस तरह से भागता फिरता रहता था जिस तरह से कोई आदमी किसी चीज़ से डर कर भागता है। For nature then to me was all in all. उस वक्त नेचर ही मेरे लिए सब कुछ था। अब जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, वो मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूँ। The course of pleasures of my boyish days and their glad animal movements all gone by. कह रहे हैं कि वो बचपन के दिन अब जा चुके हैं, जैसे मैं हिरण की तरह इधर से उधर घूमता फिरता रहता था, भागता फिरता रहता था, अब वो दिन ख़त्म हो गए हैं, अब वो एनिमल मूवमेंट्स नहीं रहे।
आई कैनॉट पेंट वॉट देन आई वॉज, और मैं बता नहीं सकता हूँ कि वो वक्त मेरे लिए कैसा था। पेंट का मतलब यहाँ पर है बताना। द साउंडिंग कैटरेक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन, द टॉल रॉक द माउंटेन एंड द डीप एंड ग्लूमी वोल्ट। दोस्तों कैटरेक्ट का मतलब यहाँ पर बहुत बड़े झरने से है। तो कह रहे हैं कि जैसा मैं जब 5 साल पहले यहाँ पर आया था तो मैंने झरने की आवाज़ सुनी थी, वही सेम आवाज़ मुझे अभी भी याद है और एक इमोशन की तरह वो मेरे अंदर है। मैंने बड़े बड़े पत्थर चट्टाने पहाड़ देखे थे, घने जंगल देखे थे जब मैं 5 साल पहले यहाँ आया था। Their colors and their forms were then to me an appetite, a feeling and a love that had no need of a remoter charm. कह रहे हैं कि जब मैं यंग था, जवान था और यहाँ इस जगह पर आया था, तब मुझे इन चट्टानों की, इस हरे भरे जंगल की, इन झरनों की भूख थी, एक तड़प थी, बेचैनी थी, फीलिंग और लव था। एपिटाइट का मतलब है नेचुरल डिज़ायर टू सेटिस्फाई अ बॉडीली नीड। तो इस नेचर की तड़प थी वर्ड्सवर्थ को जब वो यंग थे, और इस फीलिंग को, इस तड़प को किसी अट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं थी। बाय थॉट सप्लाइड नॉट एन इंटरेस्ट अनबोरोड फ्रॉम द आई, और मेरी आँखें ये खूबसूरत नज़ारा देख रही हैं इसलिए ये अट्रैक्शन नहीं है। अब यहाँ कह रहे हैं कि ये जो मेरी आँखें देख रही हैं ना, इतना खूबसूरत नज़ारा, ये मेरी आँखों ने कोई रोल यहाँ पर प्ले नहीं किया है, मेरी आँखों का कोई रोल नहीं है, बल्कि मेरी जो डीप थिंकिंग है, मैंने जो यहाँ पर ध्यान लगाया है, मुझ में ये फीलिंग मेरी डीप थिंकिंग की वजह से आई है, आँखों का इसमें कोई रोल नहीं है। डेट टाइम इज़ पास्ट एंड ऑल इट्स एकिंग जॉयज़ आर नाउ नो मोर एंड ऑल इट्स डिजी रैप्चर्स। कह रहे हैं कि वो वक्त गया, वो जवानी के दिन गए जब मेरे अंदर बेचैनी रहती थी, तड़प रहती थी, वो तड़प बेचैनी अब नहीं रही। नॉट फॉर दिस फेंट आई नॉर मोन नॉर मर्मर अदर गिफ्ट्स हैव फॉलोड फॉर सच लॉस। मेरे वो जवानी के दिन चले गए, वो तड़प बेचैनी चली गई, इस बात के लिए मैं रोने नहीं वाला, ना ही मुझे कोई पछतावा है, बल्कि उन दिनों को खोकर मैंने कुछ और पाया है, इस लॉस के बदले मुझे कुछ और गिफ्ट्स मिले हैं। आई वुड बिलीव अबंडेंट रिकम्पेंस फॉर आई हैव लर्न टू लुक ऑन नेचर नॉट एज इन द आवर ऑफ थॉटलेस यूथ। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि अब मुझे पता लग गया है, आई हैव लर्न, कि किस तरह से नेचर को देखना है। जब मैं जवान था, जब मेरे अंदर तड़प तो थी, लेकिन तब मैं डीप थिंकिंग नहीं कर सकता था, मैं थॉटलेस था, लेकिन अब मैं मैच्योर हो गया हूँ और अब मेरा नेचर को देखने का नज़रिया जो है ना वो बदल गया है, अब मैं नेचर को गहराई से जान सकता हूँ। तो ये मुझे एक गिफ्ट मिला है अपनी तड़प को खोकर। बट हियरिंग ऑफन टाइम्स द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी नॉर हार्श नॉर ग्रेडिंग दो ऑफ एम्पल पावर टू चेस्टन द सबड्यू। और मुझे अक्सर एक सैड म्यूज़िक सुनाई देता है ह्यूमैनिटी का, और वो म्यूज़िक ना तो हार्श है ना ही कर्कश है, लेकिन वो म्यूज़िक मुझे शुद्ध करता है, प्योर करता है और काइंडनेस देता है, मुझे काइंड बनाता है, मुझे प्योर करता है। एंड आई हैव फेल्ट अ प्रेजेंस दैट डिस्टर्ब्स मी विद द जॉय ऑफ एलिवेटेड थॉट्स अ सेंस सबलाइम ऑफ समथिंग फार मोर डीपली इंटरफ्यूज हुज ड्वेलिंग इज़ द लाइट ऑफ द सेटिंग सन एंड द राउंड ओशन एंड द लिविंग एयर एंड द ब्लू स्काई एंड इन द माइंड ऑफ मैन। और मैं ये महसूस कर चुका हूँ कि जो नेचर की प्रेजेंस है, नेचर की पावर है, उसने मुझे डिस्टर्ब किया है। अब यहाँ पर डिस्टर्ब करना एक अच्छे सेंस में यूज़ किया गया है, और नेचर ने पोएट को मजबूर किया है हायर थिंग्स के लिए सोचने को। जैसे हम लोग के माइंड में हर टाइम चलता रहता है कि कौन सी पॉपुलर मूवी आने वाली है, दबंग 3 का क्या सीन है, वगैरह वगैरह, लेकिन ये सब थॉट्स फजूल के हैं। तो नेचर ने पोएट को फोर्स किया है हायर थिंग्स के बारे में सोचने को, अपने थॉट्स का लेवल बढ़ाने को, जैसे मैं दुनिया में क्यों आया हूँ, मेरा क्या मकसद है। और ये जो प्रेजेंस है, ये प्रेजेंस पोएट को सेंस भी देती है कि नेचर में डिवाइन प्रेजेंस है, और ये डिवाइन प्रेजेंस पूरे नेचर में फैली हुई है, और वो डिवाइन प्रेजेंस ढलते हुए सूरज में भी मिलेगी, ओशन में भी मिलेगी, हवा में भी मिलेगी, नीले आसमान में भी मिलेगी, और इंसान के माइंड में भी मिलेगी। मतलब बताना चाह रहे हैं इतने सारे एग्जांपल देकर कि डिवाइन प्रेजेंस नेचर के कण कण में हर जगह फैली हुई है, हर जगह मिलेगी।
A motion and a spirit that impels all thinking things, all objects of all thought, and rolls through all things. अब इन दो ढाई लाइन्स में आप देखो ऑल चार बार रिपीट हुआ है. यहाँ पर पोएट जोर देकर कहना चाह रहे हैं कि जो स्पिरिट है, जो डिवाइन प्रेजेंस है, जो नेचर की प्रेजेंस है, वो सभी चीज़ों से कनेक्टेड है. जैसे पिछली लाइन्स में एग्जांपल्स दिए थे ढलते हुए सूरज का, ओशियन का, आसमान का, माइंड का, तो आप जोर देकर कह रहे हैं कि ये डिवाइन प्रेजेंस सभी चीज़ों से कनेक्टेड है. देयरफॉर एम आई स्टिल अ लवर ऑफ द मीडियोज एंड द वुड्स एंड माउंटेन्स, और इसीलिए मैं आज भी इन घास के मैदानों का, जंगलों का, पहाड़ों का आशिक हूँ, इन्हीं से मोहब्बत करता हूँ. End of all that we behold from this green earth, of all the mighty world of eye and ear, both what they have create and what perceive, well pleased to recognize in nature and the language of the sense. और इसी हरी भरी दुनिया से हम जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी आँखों से देखते हैं, या फिर कानों से सुनते हैं, या फिर सेंस से महसूस करते हैं, उन सभी चीज़ों से मुझे प्यार है. आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, या फिर सेंसेस से महसूस करते हैं, उन सभी चीज़ों से मुझे प्यार है. द एंकर ऑफ द प्योरेस्ट थॉट्स, दोस्तों एंकर का फोटो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा. यह नाव को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका बैलेंस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसी तरह यहाँ कह रहे हैं कि ये जो प्रेजेंस है नेचर की, ये जो स्पिरिट है, ये मेरे थॉट्स को बैलेंस करने के लिए एंकर है. द नर्स, द गाइड, द गार्डन ऑफ माई हर्ट, द सोल ऑफ ऑल माई मॉरल बींग, ये नेचर की प्रेजेंस मेरे प्योरेस्ट थॉट्स का एंकर है, मेरी नर्स है, मेरी गाइड है, मेरे हर्ट का गार्डन है, और मेरे अंदर जो मॉरल बींग है उसकी आत्मा है. बेसिकली यहाँ पर वर्ड्सवर्थ बताना चाह रहे हैं कि जो नेचर की प्रेजेंस है वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो हर चीज़ में है. नॉर परचांस इफ़ आई वर नॉट दस टॉट Should I the most suffer my genial spirits to decay? इन लाइन्स का आसान शब्दों में मैं आपको मतलब बताता हूँ. अगर नेचर मुझे ये काइंडनेस नहीं सिखाता तो भी मैं अपने अंदर जो नेचुरल काइंडनेस है उसको ख़त्म नहीं होने देता. जैसे पीछे की लाइन्स में वर्ड्सवर्थ ने कहा कि नेचर की प्रेजेंस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, काइंडनेस भी सिखाई है. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर नेचर उसे ये सब नहीं सिखाता तब भी उसमें जो नेचुरल काइंडनेस है उसके अंदर मौजूद, उसको वो ज़ाया नहीं होने देता. फॉर दाउ आर्ट विद मी हियर अपन द बैंक्स ऑफ दिस फेयर रिवर, दाउ माई डियरेस्ट फ्रेंड, माई डियर डियर फ्रेंड, एंड इन दाई वॉइस आई कैच द लैंग्वेज ऑफ माई फॉर्मर हर्ट एंड रीड माई फॉर्मर प्लेजर्स इन द शूटिंग लाइट्स ऑफ दाई वर्ल्ड आइज. इन लाइन्स में वर्ड्सवर्थ अपनी बहन से बात कर रहे हैं. वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि तुम इस खूबसूरत नदी के किनारे पर मेरे साथ में हो, मेरी प्यारी दोस्त, तुम यहाँ पहली बार आई हो, और तुम्हारी आवाज़ में, तुम्हारे रिएक्शन में मैं ये समझ सकता हूँ कि जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था तो मुझे कैसा लग रहा था. मतलब जिस तरह तुम खुश हो उसी तरह मुझे भी खुशी हो रही थी, उसी तरह का मेरा भी रिएक्शन था, और तुम्हें देखकर, तुम्हारी खुशी को देखकर मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि मुझे भी इसी तरह की खुशी हो रही होगी. जैसा तुम फील कर रही हो वैसा मैं भी पहली बार यहाँ पर आके फील कर रहा था, और मैं अपने पुराने प्लेजर्स को तुम्हारी वाइल्ड आइज़ में देख सकता हूँ. ओ येट ए लिटिल वाइल मे आई बिहोल्ड इन दी व्हाट आई वॉज वंस माई डियर डियर सिस्टर, तो क्या मैं थोड़ी देर के लिए और तुम्हारे अंदर देख सकता हूँ मेरी प्यारी बहन, ताकि मुझे पता लगे कि मैं कैसा महसूस कर रहा था यहाँ आने पर. क्या मैं थोड़ा और देख सकता हूँ तुम्हें, थोड़ा और निहार सकता हूँ, ताकि मुझे पता लगे कि मेरा क्या रिएक्शन था जब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम पर आया था. एंड दिस प्रेयर आई मेक, और मैं यही प्रे करता हूँ कि मैं ऐसे ही खुद को तुम में देखता रहूँ. नोइंग डैट नेचर नेवर डिड बिट्रे द हर्ट डैट लव्ड हर, मैं ये जानता हूँ कि नेचर ने कभी भी उसको धोखा नहीं दिया जिस दिल ने उसे चाहा हो. दिस हर प्रिविलेज, और ये नेचर की ख़ास बात है, जो भी इसे प्यार करता है ये उसे कभी भी धोखा नहीं देती. थ्रू ऑल द ईयर्स ऑफ दिस आर लाइफ टू लेट फ्रॉम जॉय टू जॉय, हमारी ज़िंदगी में नेचर हमें एक के बाद एक खुशी देती रहती है. For she can so inform the mind that is within us, so impressed with quietness and beauty, and so feed with lofty thoughts.
और नेचर जो है ना वो हमारे माइंड को शांत करती है और उसमें खूबसूरती डालती है, और जो महान थॉट्स होते हैं, जो गहरे थॉट्स होते हैं वो हमें देती है। लॉफ्टी थॉट्स यानी महान विचार। डैट नाइदर इविल टंग्स रैश जजमेंट्स नॉर द स्नेयर्स ऑफ सेल्फिश मैन नॉर ग्रीटिंग्स वेयर नो काइंडनेस इज नॉर ऑल द डेयरी इंटरकोर्स ऑफ डेली लाइफ। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि नेचर हमें ईविल टंग यानी कड़वी ज़ुबान से बचाता है, नेचर हमें जल्दबाजी में लिए गए इमैच्योर फैसलों से बचाता है, मजाक उड़ाने वाले सेल्फिश लोग, सेल्फ सेंटर्ड लोग जो सिर्फ अपने ही गुण गाते हैं, या फिर रोज़मर्रा की बेतुकी बातें करने वाले लोग, इन सभी से नेचर तुम्हें बचाता है, नेचर तुम्हें ऐसा नहीं बनने देता। Shall year prevail against us or disturb our cheerful faith? और ये सब जो चीज़ें हैं ना, कड़वी ज़ुबान, बेतुकी बातें, घमंड, ये सब हमारे cheerful faith को disturb करती हैं, यानी हमारा जो joy है, हमारी जो शांति है उसको भंग करती हैं। That all which we behold is full of blessings. नेचर बहुत खूबसूरत है, और जब हम घमंडी हो जाते हैं, हमारी ज़ुबान कड़वी हो जाती है, तो फिर वो जो नेचर का जॉय है, जो ब्लेसिंग है, वो हमें नहीं मिल पाती। नेचर ब्लेसिंग से भरा हुआ है, लेकिन उन ब्लेसिंग्स को पाने के लिए आपको ऊपर बताई हुई चीज़ों से बचना होगा। अब दोस्तों आगे के लाइंस में वर्ड्सवर्थ अपनी बहन को कुछ एडवाइस देंगे। वर्ड्सवर्थ ने जैसे 5 साल पहले एक्सपीरियंस किया था, वही एक्सपीरियंस वर्ड्सवर्थ अपनी बहन के साथ भी शेयर करेंगे और उससे कहेंगे कि जैसे मैंने 5 साल पहले किया था तुम भी वैसा ही करो। Therefore let the moon shine on thee in the solitary walk and let the misty mountain winds by free to blow against thee. रात में जब चाँद तुम्हारे ऊपर चमक रहा हो तब तुम्हें अकेले वॉक पर जाना चाहिए, और जो पहाड़ों में धुंधली हवा है उस हवा को अपने जिस्म से टकराने दो। चांदनी रात में अकेले जाओ वॉक पर और पहाड़ों की धुंधली हवा को अपने जिस्म से टकराने दो, उसे फील करो। एंड इन आफ्टर ईयर्स वेन दीज वाइल्ड एस्ट्रेसीज शैल बी मेच्योर्ड इन टू अ सोबर प्लेजर। और जब तुम ये सब करोगी जो मैं कर चुका हूँ 5 साल पहले, तो फिर ये प्लेजर बाद में जाकर सोबर प्लेजर बन जाएगा। सोबर का मतलब यहाँ पर सेंसिबल, तो एक सेंसिबल प्लेजर ये बन जाएगा बाद में जाकर, अगर तुम वही करोगी जो मैंने किया है। वेन दाई माइंड शैल बी अ मैंशन फॉर ऑल लवली फॉर्म्स, और जितनी भी लवली फॉर्म्स हैं, खूबसूरत चीज़ें हैं, उनका घर तुम्हारा माइंड बन जाएगा, यानी तुम्हारा माइंड खूबसूरत चीज़ों से भर जाएगा। दाई मेमोरी बी एज अ ड्वेलिंग प्लेस फॉर ऑल स्वीट साउंड्स एंड हारमोनीज, और ये जो सभी स्वीट साउंड्स हैं, हारमोनीज हैं, इन सब का घर तुम्हारी मेमोरी बन जाएगा, मतलब तुम्हारे जो मेमोरी हैं उनमें ये सब चीज़ें भर जाएंगी। ओ देन इफ़ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी दाई पोर्शन विद वॉट हीलिंग थाट्स ऑफ टेंडर जॉय विल्ड दाउ रिमेंबर मी एंड दीज माई एक्सॉर्टेशंस। और जब अकेलापन, दर्द, डर, दुख तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा और फिर तुम मुझे अपनी हीलिंग थाट्स से याद करोगी। हीलिंग थाट्स यहाँ पर कहा गया है मेमोरी को, जो वक्त वर्ड्सवर्थ ने अपनी बहन के साथ गुजारा है, उन मेमोरीज़ को, उन यादों को हीलिंग थॉट्स कहा गया है। तो जब भी कभी तुम मुश्किल में होगी तो इन हीलिंग थॉट्स से तुम मुझे याद करोगी और तुम्हारी परेशानी कम हो जाएगी, मतलब उन मेमोरीज़ को तुम याद करोगी और तुम्हारी परेशानी कम हो जाएगी। अब दोस्तों ये जो लास्ट की कुछ लाइन्स हैं इन्हें मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इनका मतलब समझा देता हूँ आसान लैंग्वेज में। इन लाइन्स में वर्ड्सवर्थ अपनी बहन से कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम इन यादों को भूल जाओ। अगर मैं तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन पाऊँ, माने अगर मैं मर जाऊँ या फिर मैं तुम्हारी चमकती आँखों में इन मेमोरीज़ को नहीं देख पाऊँ, तो क्या तुम इन मेमोरीज़ को भूल जाओगी क्या, जो हमने यहाँ टिंटन एबे में वक्त गुजारा है, क्या तुम इसे भूल जाओगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। किस तरह से हम इस डिलाइटफुल रिवर के किनारे खड़े थे और मुझे नेचर कितना ज़्यादा पसंद था और मैं तुम्हारे साथ यहाँ आया था, तुम इन मेमोरीज़ को भूल ही नहीं सकती हो। तुम नहीं भूल सकती हो इस वेंटरिंग को, वेंटरिंग यानी घूमना फिरना, इधर से उधर फिरना, तो इधर से उधर जो ये लोग जंगल में फिरे थे, तो कह रहे हैं कि तुम नहीं भूल सकती हो उस वेंटरिंग को, वुड्स को, जंगल को, ऊँची चट्टानों को, ग्रीन पेस्टोरल लैंडस्केप को, तुम इन सब चीज़ों को भूल ही नहीं सकती हो।
जो मेरे लिए और तुम्हारे लिए, हम दोनों के लिए प्यारा है। तो दोस्तों, आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, पर उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पोयम अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।